हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी 15% लाभ पर एक टेबल को 460 रुपए में बेचा। सबसे पहली बात है कि जो 15% की वैल्यू है इसे आप निकाल लीजिए। 15% का हम फ्रैक्शन वैल्यू जब निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालते हैं। 15% का मतलब होता है बटे में 100। 5 से काट दूंगा 3 बार में, 5 से कट जाएगा 20 बार, मतलब 3/20। ठीक है, 20 की चीज पे 3 रुपए का प्रॉफिट, तो 20 में आप 3 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 23/20। यानी कि 20 की चीज को आप 23 रुपए में बेचोगे तो 3 रुपए का प्रॉफिट, इतना क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। कैसे निकालेंगे भैया, कितने बेच रहे हो, 460 रुपए में। 460 रुपए में बेच रहे हो ना, ये कितना है, 23/20 है। इससे आप क्या करोगे, ये 23/20 है, जब भी कॉस्ट प्राइस निकालोगे इस संख्या को पलट के गुना करोगे, यानी कि 20 ऊपर हो जाएगा 23 नीचे। जब भी कॉस्ट प्राइस निकालोगे पलट के गुना करोगे, सेलिंग प्राइस निकालोगे तो पलट के गुना नहीं करोगे। देखिए 23 से 2 बार में 46 कट जाएगा, 1 ही 0, 20 20 का मल्टीप्लाई 400। कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आ गया, 400। अब देखिएगा कोई चीज हमने कितने बेची थी, 460 रुपए में, और यहां उसकी वैल्यू कितनी निकल गई, 400। तो 460 से 400 गया, कितना कम हुआ, 60 रुपया कम हुआ। यहां कितना कम हुआ, 10। तो देखिएगा 460 से 400 हो गया तो कितना कम हुआ, 10 कम हुआ, और रुपए में कितना कम हुआ, 60। यानी कि यहां 10% हानि हुई, यहां 10% हानि हुई, और यहां हमको कितने की, 60 रुपए की हानि हुई। तो 10 की वैल्यू आप कह सकते हो, 10% की वैल्यू 60 रुपया है, हमको 100% का मान निकालना, तो कैसे निकालेंगे, 60 में 10 से डिवाइड कर देंगे। 100% का मान निकालने के लिए 100 से मल्टीपे, 10 से कट गया 10 बार में, 60 मल्टीपे 10 से कर दो, 600 रुपया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 600 रुपया जो कि बी ऑप्शन में दिया गया, ये बिल्कुल सही जवाब है। सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, विक्रय मूल्य पर 25% लाभ क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर होगा। इस तरीके का जब प्रश्न होता है तो स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज होता है कि पूछ क्या रहा है। विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ, देखिएगा कोई भी किसी भी चीज का कॉस्ट प्राइस हो वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, और विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस पर 25% का लाभ। अब कोई भी चीज आपको मालूम है कॉस्ट प्राइस 100 रुपया होती है, उस पर 25% का लाभ कब होगा, जब हम उससे 25 जोड़ के बेचेंगे। यानी कि रियल में सेलिंग प्राइस कितना रखेंगे हम, 125 रखेंगे। भाई 100 से 100 बराबर हो गया, जितना 100 से अधिक बेचोगे उतना ही प्रॉफिट। तो मैं 25 अधिक में बेचूंगा, मतलब 25% का लाभ होगा। तो 100 की चीज को मैंने 125 में बेचा तो 25% का मुझे क्या हो गया, फायदा। ये 25% का फायदा कितने पे, कॉस्ट प्राइस निकालो, याद रखना कभी भी फायदा निकालो चाहे नुकसान, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। कॉस्ट प्राइस आपका 100 है, और प्रतिशत के लिए आप क्या करते हो, 100 से मल्टीप्लाई। तो देखिए 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा कि आपके पास 25%। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, सभी को क्लियर है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, अवनीत एक घड़ी 20% छूट पर खरीदता है तो 25 रुपए की बचत होती है। देखिएगा अवनीत ने 20% की छूट पर एक घड़ी खरीदी तो उसे 25 रुपए की बचत हुई। इसका मतलब 20% की जो वैल्यू है वो 25 रुपए के बराबर है। 20% की वैल्यू 25 रुपए के बराबर है। अब देखिएगा, आप अच्छे से जानते हैं कि कोई भी चीज अपने आप में 100% का मान रखती है, 100% की होती है। उसमें से जब छूट आपको 20% की मिल गई तो इसका मतलब आपने पैसे कितने दिए, 80% के दिए। इतना तो सभी को समझ में आ गया। कोई भी चीज 100% की होती है जिसमें से हमें 20% की छूट मिल गई, मतलब 80% का दाम हमने दिया। ठीक है, तो हमें जो वैल्यू निकालनी है वो 80% की निकालनी है। उसने बोला है, बताएं कि उसने घड़ी के लिए कुल कितने रुपये अदा किए। भाई 80% ही तो अदा किए, जब 100% में से 20% की छूट मिल गई तो 80% के पैसे अदा किए, 80% का मान निकालना है। जब 20% का मान 25 तो 80% का मान कितना, कैसे निकालेंगे, इस 25 में 20 से डिवाइड कर दो, 80% का मान निकालने के लिए 80 से मल्टीप्लाई कर दो। 20 चौके 80, 25 चौके 100, यानी कि उसने कितने रुपए अदा किए, 100 रुपए अदा किए। वो घड़ी कितने रुपए में खरीदी, 100 रुपए में। बी ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, राम ने 20% छूट पर एक वस्तु खरीदी, उस वस्तु को उसने 15% लाभ पर 690 रुपए में बेचा, बताएं कि उस वस्तु का मूल्य क्या था। बहुत अच्छा सवाल है। देखिएगा कोई भी वस्तु है उसकी जो भी एमआरपी है, देखिएगा जो भी उसकी एमआरपी रही होगी, उस एमआरपी से 20% छूट पर खरीदी है, जो भी एमआरपी होगी उस एमआरपी से 20% की छूट पर खरीदी है ना, 20% की छूट पर खरीदी है। कोई भी चीज है, कोई भी चीज है खरीदी है, यहां से यहां पे खरीदी है, तो जो खरीदते हैं जितने में वो क्या होता है, हमारा कॉस्ट प्राइस।
ठीक है, कॉस्ट प्राइस होता है। अब खरीदने के बाद उसने अपने पास नहीं रखा, 15% के लाभ पर 690 रुपए में बेच दिया। 15% के लाभ पर, लाभ पर कितने बेच दिया, 690 रुपए में, 690 रुपए में बेच दिया। तो बताएं उस घड़ी का, उस वस्तु का मूल्य क्या था, वस्तु का मूल्य बताना भाई, हमने कितने बेचा है, 690 रुपए में बेचा है। अब देखिएगा, याद रखिएगा, हमारे पास ये कितनी वैल्यू है, 20% है, याद रखना 20% है ना, 20%, 20% की फ्रैक्शन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 20% का मतलब बटे में 100, 20 एकम में 20 × 100, यानी कि 1/5, 1/5 हो गया ना। अब ये छूट बोल रहा है, तो छूट बोलेगा तो घटा के लिखेंगे, यानी कि 5 में से घटा देंगे 4/5। अगर प्रॉफिट बोलता तो जोड़ के लिखते, लॉस बोलेगा तो घटा के लिखना है। तो ये कितना मेरे पास, 690 रुपया, 690 रुपया याद रखना, 690 रुपया है। जब ये मेरे पास 690 रुपया है और जब मैंने इसको चेंज किया तो कितना निकल रहा है, 4/5 निकल गया है। और मैंने क्या बोला कि हमेशा कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए इससे पलट के मल्टीप्लाई करेंगे, इससे पलट के, तो पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5/4। दूसरी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है मेरे पास, 15%। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आपको पहले बता चुका हूं, 3/20 होती है। और 20 में क्या करोगे, 3 जोड़ दोगे तो 23/20। अब इसको आप क्या करोगे, पलट के गुना, जब कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो पलट के गुना, तो पलट के गुना करने पे 20 ऊपर आ जाएगा, 23 नीचे आ जाएगा। क्लियर है ना, इतना आप कटा दो बस, 23 से 69 कट जाएगा 3 बार में, 1 ही 0, ठीक है। 4 से 20 कट जाएगा 5 बार में, 5 × 5 = 25, 25 × 3 = 75 और 1 ही 0, 750 रुपए। बी ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। सभी को समझ में आ गया ना। अब देखेंगे अगला सवाल, अगला प्रश्न है, राम अपनी वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करे कि उस पर 6.1% छूट देकर बेचने के बाद भी उसे 5% का लाभ हो। भाई कितनी छूट अंकित करे कि इतनी छूट देने के बाद भी 5% का लाभ हो जाए। अब हमें देखिए, सबसे पहले जो छूट दी हुई है वो 6.1% इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, 6 × 24, 24 में जुड़ूंगा 25/4, 25/4 परसेंट का मतलब बटे में 100, मतलब यहां पे 100 का गुना हो जाएगा, ऊपर 25 रहेगा नीचे 400 हो जाएगा, 25 × 25 कटेगा, 25 से 400 16 बार में कटेगा, यानी कि 1/16। अब क्या बोला है उसने, छूट बोला है या प्रॉफिट बोला है, छूट बोला है, तो छूट बोला है तो घटा के लिखेंगे, यानी कि 16 में से घटा दूंगा, 15/16 हो जाएगा, ठीक है। और लाभ कितने का हो, 5% का लाभ हो। अब इसमें 5% का लाभ है, मैं इधर करता हूं, 5% का लाभ, परसेंट का मतलब बटे में 100, 5 × 5, 5 से कट जाएगा 20 बार में, यानी कि ये 1/20 होता है। लेकिन इसकी हमें जरूरत है क्या, इसकी हमें जरूरत नहीं है। उसने क्या बोला है उस पर ध्यान दीजिए, उसने बोला है कि बाद में उसे 5% का लाभ हो। इतनी जब हम छूट दे देंगे, इतनी छूट देने के बाद फिर जब हम बेचेंगे तो उसके बाद भी हमें 5% का फायदा हो जाना चाहिए। क्लियर है, 5% का फायदे का मतलब है कि कोई भी चीज अपने आप में 100% है, 5% का फायदा हो जाए तो हम उसे 105 में बेचेंगे, तभी तो हमें 5 का फायदा होगा। क्लियर है ना मेरी बात, सभी को समझ में आ रही, तभी तो हमें 5 का फायदा होगा। तो देखिए, ये वैल्यू मेरे पास कितनी थी, 15/16 थी, और 15/16 से कहां हो जाए, 5% का फायदा हो जाए, मतलब 105 में बेचेंगे, तो 15/16 बराबर 105, कटा दो 15 से 7 बार में, 16 × 7 = 112, 112%। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पहला ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल, अगला प्रश्न है, क्यूब रूट के अंदर 0.037 के ऊपर बार, इसको सरल करना है। बहुत बार ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल या फिर रेलवे में भी दे दिया जाता है, तो आप इसको कैसे कर पाओगे, देखिएगा, ध्यान रखना। सबसे पहली बात तो यह है कि जब आपके पास 3 संख्या के ऊपर बार है, तो जो 3 संख्या उनको लिख लूंगा मैं, यानी कि 0, 3, 7 है, तो 0 मत लिखिए, क्योंकि 0 लिख दोगे मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तब भी 37 ही रहेगा, और 3 संख्या के ऊपर 12 तो बटे में 3, 9 आ जाएंगे, ये बात सभी को पता है, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, क्यूब रूट दिया गया, क्यूब रूट, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्या लिखा हुआ है, 37, ये मेरे पास 999 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 9 का गुना 111 से अगर मैं करूंगा तो 999 होता है, मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है। चलिए अब देखिए, ऊपर कितना है, 37 बटे में आ जाइए, 9 है इनटू, अब इस 111 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 × 37, 37 का मतलब 3 से करोगे तो 111 ही हो जाएगा, लिख सकता हूं बिल्कुल, इसका हम क्या निकालें, क्यूब रूट। चलिए यहां पे देखिएगा, 37 से 37 कट जाएगा एक बार में,
तो हमारे पास क्या बचा, ऊपर एक बटे में क्या बना 9 * 3 = 27, यही तो बचा। अब एक का क्यूब रूट निकालूंगा तो एक ही हो जाएगा, और 27 का क्यूब रूट निकालूंगा 3 हो जाएगा, मतलब 1/3 है आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब, डी ऑप्शन। बात सभी को क्लियर हो गई। आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।